हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते और इस वजह से हमारे लिए बुरी बातें सब तरफ फैलाते रहते हैं, जबकि हमने उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं होता। कभी कभी तो हमें कोई लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हम मिले भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बारे में बुरी बातें ही सब तरफ फैलाते रहते हैं। वे चाहते हैं कि ये इंसान जहाँ भी जाए वहाँ नीचे देखे, और ऐसा करने वाले बहुत दूर के लोग नहीं, आसपास के लोग ही होंगे आपके। इसलिए इसी संदर्भ में मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं, क्योंकि दूसरे आपके दुख में आपके पास में आकर कभी खड़े नहीं हो रहे हैं। कभी भी आप जब परेशान हैं तो आपको संभालने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो हमेशा आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप उनके सामने अपना दुख बता भी देंगे तो भी वो आगे जाकर आपका मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए आज की कहानी को बहुत ही ध्यान से समझिए और फिर जानिए कि खुद पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। तो एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों में संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। ये देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे और मेरा जीवन यापन कैसे होगा, क्योंकि ये संत बिल्कुल सही लग रहा है तो सभी लोग इसी के पास में जाएंगे और मेरे को कोई पूछेगा ही नहीं। उसने अपने बारे में सोचा और जाना कि मैं इतना सही नहीं हूँ तो क्या होगा। फिर पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि वो उन्हें ज्ञान में तो नहीं हरा सकता है, लेकिन अगर उनकी बुराइयां की जाएं तो उन्हें हराया जा सकता है। पंडित ने जल्दी से जल्दी जितना हो सकता था, जितने लोगों के सामने हो सकता था, उनका दुष्प्रचार शुरू किया। वह लोगों के सामने उन संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ दो, जो करता है करने दो। अगर मैं उस पंडित से वाद विवाद करूंगा तो इससे ये सब बातें फैलना बंद नहीं होंगी, उल्टी उस पंडित को कुछ बातें और मिल जाएंगी जो कि वो बुराई अपनी कर सकता है और भी आगे। इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता। हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहता है, कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर देंगे। अगर आपका भी कोई भी दुष्प्रचार कर रहा है, या आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी बुराई कर रहा है, या फिर आपकी जग हसाई हो रही है कहीं पर भी किसी के भी द्वारा, और आप अपने ही अगर ऐसा कर रहे हैं, तो आप भी घबराइए मत, बस अच्छा काम करते चली जाइए, अच्छे बने रहिए। कभी भी अपने आप को बुराई की तरफ मत मोड़िए। देखिएगा कि धीरे धीरे लोग समझ ही जाएंगे कि आप एक सही इंसान हैं और वो इंसान जो आपकी बुराई कर रहा था वो एक गलत इंसान है। आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, न ही अपनी सच्चाई को छोड़ना है। हमेशा अच्छे और सच्चे बने रहिए, अपना काम करते रहिए और किसी से मत डरिए, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इसलिए चलते रहिए, लोगों को बुराई करते रहने दीजिए, उस बुराई से प्रभावित होकर अपने आप को कहीं खो मत देना। ये मत कह देना कि अरे यार, ये इंसान मेरी बुराई हर जगह कर रहा है तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोग अगर आप अच्छा करेंगे तो भी सोचेंगे, आप खराब करेंगे तो भी सोचेंगे। इसलिए जो उन्हें सोचना है सोचने दीजिए, आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद के लक्ष्य को पाइए। जो आप करना चाहते हैं वो ज़िंदगी में ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए इसे पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, लोगों पर नहीं। बात को हमेशा याद रखिए, तब तक खुश रहिए।